नमस्ते दोस्तों, लीड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं होम्योपैथिक के अंदर इन आँखों के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसन वो लेके आया हूँ। वैसे होम्योपैथिक के अंदर आँखों की बहुत दवाइयाँ हैं, लेकिन जो दवा मैं आपको आज बताऊँगा वो उन सब में प्रमुख दवा है, उसको भी सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं स्लाइड आपके सामने करता हूँ। इस दवा का नाम है फाइस्टोस्टिग्मा। फाइस्टोस्टिग्मा ये 30 पोटेंसी में ही काम में लेनी चाहिए, और 30 पोटेंसी के अंदर दिन में आँखों की स्थिति के अनुसार, अगर आँखें ज़्यादा ही तकलीफ देती है, जाला आ गया है, कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, तो इसकी 4 डोज भी आप ले सकते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर और रात को 10 बजे तक। और अगर आपको मालूम हुआ कि अपनी आंखें कुछ कमज़ोर है तो आप 3 खुराक लें। जब आपको लगे 1-2 दिन लेने के बाद कि अब ठीक है तो कुछ समय का गैप दे दें। आपको फिर तकलीफ़ हो तो लें, नहीं तो न लें। आप अपनी आंखों को टेस्ट करवा सकते हैं। फाइस्टोस्टिग्मा से आँखों की कितनी बीमारियाँ ठीक होती है, ये जो आँखें हैं इसके अंदर यूँ खाली दिखती है, ये भगवान ने 2 बनाई है, क्योंकि बिना आँखों के कुछ भी आदमी नहीं कर सकता, एक कदम भी नहीं चल सकता। तो 2 इसलिए बनाई है मालिक ने कि एक का कुछ हो गया, एक्सीडेंट या कुछ कारण से, चोट चपेट से, तो दूसरी आंख से काम चला लेता आदमी। इतने बारीक मशीनरी इन पुत जो दिखती है इनके पीछे फिट करी है उसने, कि उसकी बनावट को, जो उसने चीज़ें बनाई है मानव शरीर के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर, उसकी आप तारीफ कितनी करो कम पड़ेगी। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, ये फूल सा रोशन चेहरा, ये रंग है कितना गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने आंखें बनाई, उसकी क्या तारीफ करें। सबसे पहले आप इसका नाम नोट कर लो, मैं स्लाइड आपके सामने कर रहा हूं। बड़े अक्षरों में लिखा है। देखो, हमें वो टेक्निक नहीं आती है जो लोगों को आती है, हम तो हाथों से ही काम चलाते आ रहे हैं। हाँ, इसका नाम है फाइस्टोस्टिग्मा। 30 पोटेंसी ही काम में लेनी, अन्य नहीं। अब मैं आपको इसका परिचय और ये क्या क्या बीमारियों में आपको लाभ देगी। फाइस्टोस्टिग्मा ये दवा रक्तचाप और आंतों की पुरस्सरण क्रिया को बढ़ाती है। ये नेत्र पटलों तथा रोमक पेशियों को संकुचित करती है तथा निकट दृष्टि जैसी अवस्था को उत्पन्न करती है। विभिन्न लक्षणों में फाइस्टोस्टिग्मा का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके रोगी की मन की स्थिति होती है, बेचैनी रहती है, बेचैन रहता है, तरह तरह के ख्यालों को रोक नहीं सकता, चित्त को एकाग्र नहीं कर सकता। उसके लिए मानो मकान पर कोई चीज बाकायदा नहीं है, उन्हें बार बार गिनता है,
इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फाइस्टोस्टिग्मा टीस पोटेंसी का सेवन कराना चाहिए। इसके रोगी के सिर के जो लक्षण हैं, लगातार दर्द होना, ऊपरी भाग में चक्कर आना तथा इसके साथ ही सिर में सिकुड़न महसूस होती है, चक्षु गह्वरों के ऊपर दर्द होता है, चक्षु गह्वरों ये आँखियाँ है, इनके ऊपर ये जो साइड है यहाँ पे दर्द होना, पलकों को उठाने पर असहनीय दर्द होना, मस्तिष्क से मेरुदंड तक की झिल्ली में जलन होती है। इस प्रकार के लक्षण अगर किसी में है तो फाइस्टोस्टिग्मा का प्रयोग करना चाहिए। अब आँखों के लक्षणों पे मैं आता हूँ। देखो, होम्योपैथिक में एक दवा से कई रोग ठीक होते हैं, इसलिए उनका जिक्र करना भी जरूरी है। आंखों के लक्षणों में रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रात को नहीं देखना तथा इसके साथ ही रोगी रोशनी से डरता है, पुतलियों में सिकुड़न होती है, चक्षु पेशियां फैलने लगती है, आंखें बंद करने पर कमजोरी का एहसास होता है, आंखों के सामने मक्खियां चलती हुई नजर आती है और काले काले धब्बे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, रोशनी चमचमाहट युक्त दिखाई देती है, आंखों के चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, आंखों से संबंधित कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, आंख से अधिक मात्रा में पानी गिरता रहता है। ये तकलीफ बहुत आदमियों को है, वो मोबाइल खोलते ही आंखों से पानी आना, कंप्यूटर खोलते ही आना, लैपटॉप खोलते ही आना अथवा कुछ लिखना करना तो आंखों से आंसू आना, तो ये आज से ही शुरू कर दें इस दवा को। आंख से अधिक मात्रा में पानी गिरता रहता है, बेहोशी आने के साथ ही पलकें बंद होने लगती है, इसके साथ ही आंखों से काम लेने के साथ बेचैनी सी महसूस होती है। जब अपन आंखों से काम लेते हैं, कोई पुस्तक पढ़ना और, तो एक तरह से मन के अंदर है जो अशांति बेचैनी बनी रहती है। डिप्थीरिया रोग होने के बाद आंख तथा पेशियों में लकवा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए फाइस्टोस्टिग्मा बड़ी इफेक्टिव मेडिसन है। इसके नाक से भी संबंधित हैं लक्षण कि इसके रोगी का नाक से पानी बहता रहता है, नथुनों में जलन होती है, सुरसुराहट होती रहती है, नाक बंद हो जाती है और नाक के अंदर गर्मी का एहसास होता है, नथुनों के चारों ओर ज्वर स्फोट होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए फाइस्टोस्टिग्मा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसन अन्य मेडिसनों से है। इसके रोगी के मुंह के जो लक्षण हैं, जीभ की नोक पर घाव हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, कोई ऐसे नहीं समझाता है आपको, मैं सत्य कहता हूँ। मैं देखता हूँ लोगों के, कईयों के वीडियो डॉक्टरों के देखता हूँ, दूध बता देंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि गाय का लें, भैंस का लें, बकरी का लें, ये नहीं बताते, आधा अधूरा काम करते हैं, तो भी लोग कुछ समझते नहीं है, उनको लाइक करते हैं, उनकी मर्जी। जीभ की नोक पर घाव हो जाता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपको आंखों की प्रॉब्लम भी हो, अगर आपको किसी भी कारण से ये जो जीभ की नोक में आपको दिखाता हूं, ये जीभ की नोक, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं,
ये नोक। देखो हम चले जाएंगे सफर करके, हमें मालूम है कि हमारा बोड़िया बिस्तर अब तैयारी करना है, लेकिन हम आधा अधूरा काम नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इंसान एक बार पैदा होता है, एक ही बार मरता है, दोबारा कोई चांस नहीं। और इस जीवन काल के अंदर अगर किसी को भगवान ने कुछ दिया है तो वो सबको देख करके और फिर मालिक के यहाँ जाके सलाम ठोके कि मैंने आपके हुक्म की तामील की है, ये नहीं कि इतना कुछ जानते हुए भी खाया पिया और लेटरिन गया और वहाँ जाके मालिक को सैल्यूट मारता है कि मैं आ गया। अरे तुमने क्या किया? किया तो कुछ भी नहीं, खाया पिया शरीर बनाया, ये नहीं। उसने भेजा है तुम्हारे को इसलिए कि अगर तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी है, तुम कुछ जानते हो तो जानते हुए अनजान बनना महापाप है। जो लोग जानते हैं और बताते नहीं उनको सजा मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। अरे तुम दो लफ्ज अपने मुंह से बोल दो कि तुम ये दवा खा लो तुम्हें आराम मिल जाएगा, क्या घिस जाता है आपकी जबान का? हाँ तो मैं समझा रहा था कि जीभ की नोक के ऊपर घाव अगर होता है तो फाइस्टोस्टिग्मा ऐसी स्थिति के अंदर, सिर्फ जीभ की नोक के ऊपर ही बोल रहा हूँ मैं अभी, 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 5 दिन लेने से जख्म खत्म हो जाएगा। आंखों के लिए कभी आप 200 पोटेंसी का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ 30 पोटेंसी का ही प्रयोग करेंगे। गले में ऐसा लगता है कि जैसे एक कोई गेंद होती है ना तो वो ऊपर चढ़ती है, ये एक पेट की बीमारी होती है। यूं मान के चलो डॉक्टर इसको एसिडिटी के अंदर लेते हैं, तो ये लक्षण अन्य दवाओं के अंदर भी है, लेकिन अगर यूं मालूम होता है कि गेंद सी ऊपर चढ़ रही है तो फाइस्टोस्टिग्मा 30 पोटेंसी 15 दिन लेने से ये समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा गले में तेज हृदय की कंपन महसूस होती है, जो अपना हार्ट है वो कांपता है तो गले में महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों में ये दवा बहुत कारगर है। पेट के जो लक्षण है, खाना खाने के बाद आमाशय में दर्द होना, पाचन तंत्र में दबाव के प्रति असहिष्णु दर्द, छाती और नीचे बाहों तक फैल जाता है, पाचन तंत्र में दर्द होता है और इसके साथ ही कब्ज की समस्या होती है। इस प्रकार के लक्षणों के लिए बड़ी इफेक्टिव दवा फाइस्टोस्टिग्मा है। स्त्री रोगों के लिए मासिक स्राव अनियमित होना, हृदय में कंपन होना, आँखों की रक्त संकुलता, मांसपेशियां कठोर हो जाती है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लक्षणों को ठीक करने के लिए फाइस्टोस्टिग्मा का प्रयोग होना चाहिए। हृदय के ऊपर भी इसका काम है। हृदय की नाड़ियां सुस्त हो जाती तथा इसके साथ ही सारे शरीर में कंपन होता है, हृदय स्पंदन स्पष्ट रूप से छाती व सिर में महसूस होता है, कंपन गले के अंदर तक महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षण अगर किसी रोगी के अंदर है तो उसकी दवा फाइस्टोस्टिग्मा 30 पोटेंसी है। ये घुटनों पे कुछ जो बाहरी अंग होते हैं उनके ऊपर भी हर दवा काम करती है, तो बाहरी अंगों में घुटने हाथ कोहनी दाएं घुटने के पीछे वाले जो गड्ढा होता है ना उसमें दर्द होता है,
जैसे ये बायां घुटना है, तो इसके जो पीछे का हिस्सा है जो अपने को नहीं देखता, अरे आप सीधे होके चलोगे तो नहीं देख सकते, वो कोई दूसरा ही आदमी देखेगा, या कोई आप दूसरे आदमी को कहो कि मेरी सेल्फी लेके मुझको दिखाओ, आप नहीं देख सकते। दाएं घुटना, दाहिना घुटना, उसके पीछे वाले खड्डे में दर्द होना तथा सिर के पिछले भाग में जलन, सरसराहट होना, हाथ और पैरों में सुन्नपन होना, रोगी को नींद आते ही अचानक झटके महसूस होना, शरीर की गति शक्ति कम हो जाती है, शरीर के कई अंगों में लकवा रोग जैसा प्रभाव को देखने को मिलता है। इस तरह के झटके महसूस होते हैं कि रोगी सोचता है कि कहीं लकवा ना हो जाए। कई अंगों में झटके लगने जैसा महसूस होता है तथा दर्द होता है। रोगी के शरीर में ऐंठन होती है, शरीर में धनुष या कमान की तरह टेढ़ा पड़ जाना भी में फाइस्टोस्टिग्मा यानी कि टिटनेस की बीमारी में भी ये काम आती है, अगर उसके साथ कोई आंखों की प्रॉब्लम भी हो तो। मेन तो आंखों की है, तांडव रोग इसी को ही कहते हैं, जो इसको तांडव रोग कहते हैं कि पेशियां ये हाथों की, गले की, शरीर की, ये आदमी के काबू में नहीं रहती और वो फंक्शन ऑटोमेटिक ही होता है। तो आप अगर कहोगे कि तू यूं गला क्यों हिलाता है, बंद कर इसको, तो वो नहीं कर सकता, उसकी पेशियां उसके काबू में नहीं है। तो इस तरह की अगर किसी को तकलीफ है तो फाइस्टोस्टिग्मा को प्रयोग करके देखना चाहिए। रोगी के घुटनों तथा घुटनों के नीचे अधिक कमजोरी महसूस होना, चलने में रोगी का पैर डगमगाता रहता है, रोगी ठीक से चल नहीं पाता है और अपने आंखों को बंद कर लेता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फाइस्टोस्टिग्मा दवा का प्रयोग कराना उचित होता है। हाँ, बवासीर के मस्से कठोर अतिशय संवेदनशील होते हैं, मस्से बाहर निकल आते हैं, उनको छूने पर दर्द होता है, यह दर्द असहनीय होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फाइस्टोस्टिग्मा का प्रयोग करना चाहिए। अब इसका जो संबंध है, जो इसकी रिलेटिव संबंधित, जैसे मैं हूं तो मेरा संबंध इन इन आदमियों से है, तो कोई आदमी अपना संबंध जो बनाता है तो अपने जैसी विचारधारा वालों को ही बनाता है। एक शरीफ आदमी एक दुष्ट से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, उसको वैसा ही आदमी चाहिए। तो इसकी जो रिलेटिव दवा है संबंधित, एग्नस है, कल्केरिया फास है, चाइना है, कोनियम है, यूफ्रेशिया है, जो भी आंखों की एक बहुत प्यारी दवा है, मैं बताऊंगा आपको। ये दवाइयां जो संबंधित होती है किसी वजह से इस दवा के साथ ले सकते हैं। आयोसाइमस है, इग्नेशिया है, कलोफाइलम है, लाइकोपोडियम है, और मर्कसोल है, नेट्रम्यूर है, ओपियम है, पल्साटिला है, रूटा है, सीपिया है, सल्फर है, वेरेट्रम है। तो इनके गुणों की तुलना फाइस्टोस्टिग्मा से आप कर सकते हैं। इसका जो प्रतिविष है एट्रोपिया, एट्रोपिया इस औषधि की पूर्ण मात्राएं फाइस्टोस्टिग्माइन के अधिकांश विष लक्षणों को नष्ट करती है। ये एट्रोपिया एलोपैथिक के अंदर आती है, मैं उससे कोई मतलब नहीं। इसके रोगी की तकलीफ सुबह के समय में
परिश्रम करने से तथा मानसिक परिश्रम करने से रोगी के रोग के लक्षण बढ़ते हैं और इसके रोगी को आराम मिलता है। खुली हवा में घूमने से, आंखें बंद रखने से, खामोशी से, गर्म कमरे में और कपूर सूंघने से रोगी को आराम मिलता है। इसकी डोज इन्होंने तीसरी शक्ति लिखी है, ये मिलती न मिलाती है, तीसवीं पोटेंसी का प्रयोग करें। अब मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ। देखिए, आंखें एक बहुत ही कीमती अंग है, वैसे सभी कीमती अंग होता है। एक दांत ही हिलता है ना तो आदमी का पूरा शरीर हिल जाता है, एक कान में सांस आने आती है तो पूरा ही ये भगवान ने जो मशीनरी बनाई है, तो मैं इसका क्या बखान करूं, आप खुद जानते हो। अब मैं आपको इसमें जितना लिखा होना चाहिए आंखों के लिए इतना नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग राइटर के अलग अलग है। ये दवा और मैंने जितनी तकलीफें बताई उनमें तो मुफीद है ही, लेकिन ये खास दवा है आँखों के लिए। आँखों में घोबा चलना, घोबा जानते हो आप, क्या बताऊँ, घोबा इसको बोलते हैं, जैसे ये कोई तीखी चीज है और इसको कोई ऐसे आँखों के अंदर अंदर यूँ दबाए तो दर्द होता ना, तो देसी आदमी जो होते हैं वो डॉक्टर को ये नहीं समझा सकते कि हमें इस तरह का दर्द है, तो वो ये कहते हैं कि माय बाप मेरी आँख में घोबा चलता है। तो डॉक्टर अगर समझदार है तो वो समझ जाएगा या वो उस बात को उड़ा देगा। तो इस तरह का दर्द होना फाइस्ट्रोस्टिग्मा से ठीक होता है। रतौंधी और दिनौंधी जो भी है, इन दोनों पे ही ये दवा काम करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो समस्या आंखें कम होने के ऊपर, दूर का कम देखना, नज़दीक का कम देखना, और उसके साथ ही अगर आप बारीक काम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आपकी आंखों से पानी का गिरना, इन सबको ये फाइस्ट्रोस्टिग्मा ठीक करती है। अरे आपकी आंखों से पानी बंद हो जाता है, आपका जो ऊपर का पर्दे के ऊपर जो एक तरह से चादर सी आ जाती है तो उससे आदमी को धुंधला दिखता है, धुंधला दिखता है ना, तो वो धुंधलापन धीरे धीरे साफ हो जाता है। जब आपकी आयु अधिक है, 40-50 साल की आयु है, वो धुंधलापन है या आपका मोतिया बनना प्रक्रिया शुरू हो गई है या जो भी है, तो आपको फाइस्ट्रोस्टिग्मा लेना शुरू कर देना चाहिए। आपका मोतिया आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे ये उस धुंधलेपन को, मोतिया को कैसे भी समझ लो, ये ख़त्म कर देती है। आप सर्जरी से बच जाएंगे और आप 10-20 साल आगे खींच लेंगे, नहीं तो आपको 44 साल की उम्र में ही वो आँखों का मोतिया कराना पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है, 40-40 साल के आदमियों के मोतिया के ऑपरेशन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, वो खाने को उनको अच्छी दवाई कोई डॉक्टर लिखता ही नहीं। आंख का डॉक्टर के पास चला जाओ आप, जो बात मैं कह रहा हूं ना उस पर आज तक किसी ने नहीं कहा जो बात मैं कह रहा हूं। मैं क्यों इतना जोर से बोल रहा हूं, आंख के डॉक्टर के पास चल जाओ आप, कोई भी डॉक्टर के पास चल जाओ, पहले फिजिशियन के पास जाओ कि डॉक्टर साहब मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है,
बाकी कमजोरी महसूस करता हूँ, तो फिजिशियन आपको कोई ना कोई टॉनिक लिख देगा, आप 2 महीना ये लो, अथवा न्यूरोबियन फोर्ट की गोली लिख देगा, कभी आपके कोई विटामिन की कमी है तो ये लो, अथवा अश्वगंधा का कैप्सूल लिख दे, कुछ ना कुछ आपको लिख करके और भेजेगा। लेकिन अगर आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, दुनिया का कोई भी आई स्पेशलिस्ट क्यों ना हो, किसी ने आज तक इस बात पे गौर क्यों नहीं किया, आपकी आंखें नॉर्मल है और आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ कि डॉक्टर साहब मैं अभी तक तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी अवस्था 40 साल की है, आप मेरे को ऐसा टॉनिक या ऐसी कोई दवा दीजिए कि मेरे को आँखों संबंधित कोई रोग न हो, वो नहीं लिखेगा। न कोई रोगी जाता है डॉक्टर के पास, और जाएगा तो क्या जाएगा, वो जानता है कुछ लिखेंगे नहीं, तो वो ये कहेंगे आपको तो अभी कोई जरूरत नहीं, जब कुछ है ही नहीं तकलीफ तो ना कोई दवा डालने की जरूरत ना कुछ और करने की जरूरत, जब कोई तकलीफ हो आप मेरे पास आ जाना। आयुर्वेद वाले ये नहीं कहेंगे, वो आपको दवाई लिख के देंगे आंखों के टॉनिक की, सप्तामृत लोह का सेवन करते रहिए, सप्तामृत लोहे का सेवन करते रहिए, 2 गोली सुबह 2 गोली रात को, चाहे मोतिया हो, पानी गिरता हो या न गिरता हो, आप बिल्कुल निरोग हो तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं लंबे समय तक, 10 साल 5 साल 15 साल, क्योंकि जो आयु बढ़ती है हर 10 साल के अंदर 5% आदमी की ताकत कम होती जाती है, ये प्रकृति का नियम है, तो ये तकलीफें तो होनी ही होनी है, न हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो सप्तामृत लोह क्या चीज है, लोहा है जो शरीर के अंदर लोहा खून को बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है, सप्तामृत लोह, और बाकी उसके अंदर त्रिफला है, इसके अलावा उस गोली में कोई और गलत चीज नहीं जो आपको कोई नुकसान करे, सप्तामृत लोह आयुर्वेद का उसका सेवन करो, और कोई तकलीफ हो जाए तो ये नियम होम्योपैथिक में है, तो आप होम्योपैथिक दवा फाइस्टोस्टिग्मा का प्रयोग करो, आपको कोई तकलीफ है तो, और जब आपको आंखों में आंसू अधिक आते हैं या आप फाइस्टोस्टिग्मा का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ ही देखो, एक आदमी से गठड़ी नहीं उठती है तो वो खड़ा रहता है, गठड़ी नीचे पड़ी है वो क्यों खड़ा है, किसी के इंतजार में, कोई हो वो पास आते ही है, भैया थोड़ा हाथ लगा दे मेरे, रखवा दे, मैं कहता हूं दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो मना करता है, नहीं करते, अभी इंसानियत जिंदा है, और कम से कम अपने भारत देश के अंदर इंसानियत जिंदा है, किसी को किसी का मकान का वो एड्रेस बताना, समझाना, गली नुक्कड़ और पोजीशन, अरे क्या घिस जाता है तुम्हारा, ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, जाओ इधर आगे जाकर के फूट लो, जबकि तुम्हें सब मालूम है, जब तुम इतना बग गए तो उसको सीधे यही कह दो, बेटा इधर जाके और लेफ्ट साइड हो जाओ, सब कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप इस दवा का प्रयोग करो तो मैं आपको आंखों के अंदर 2-2 बूंद, जब आंसू आ रहे हैं, तकलीफ है, मोतिया है या पकड़ा है या धुंधलापन है, तो ये दवा आज की नहीं है, सिनेरिया मार्टिमा शबाबे की
बहुत पुरानी दवा है आंख में डालने की, 100-150 रुपए की है जो भी है, आंखों से कीमती तो कोई चीज़ होती नहीं। तो इसकी दो दो बूंद एक एक आंख के अंदर, जब पोजीशन बहुत वो हो, आंसू पे आंसू आना, दर्द पे दर्द होना, आंखों का लाल होना, आंखें आना, आई फ्लू होना, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है, आप चाहे फाइस्टोस्टिग्मा खाएं, चाहे कोई सी भी दवाई खाएं, इसके ड्राफ्ट आप लगातार डाल सकते हैं। वो डालेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। जब भी आपको दो आंसू आए, मैं यहाँ इसको क्यों रखता हूँ बताओ? नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, ये मैंने अपने यूज के लिए मंगाई है। एक शीशी यहाँ रहती है और एक घर पे रहती है। तो कभी मेरा काम तो आप जानते ही हो, बारीक काम है, आंखों में कभी आंसू आ गए। अब मैं 77 साल का हो गया, तो आंसू नहीं तो क्या सोने की बूंदें आएगी क्या? डॉक्टर कहते हैं जाते ही क्या मोतिया पक गया, जल्दी कराओ वो हो जाएगा ये। मैंने कहा डॉक्टर ठीक है, तू दवा लिख दे बस, और कुछ भी मत कर। तो उसकी कृपा से, हनुमान जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो मैं इनसे होम्योपैथिक दवा डालनी, इनसे मैं अपना काम चलाता हूँ। ये दवा बहुत बढ़िया है, इसमें दो तरह की आती है, एक तो एल्कोहल युक्त आती है और एक आती है डिस्टिल वाटर बेस पे। तो एल्कोहल वाली दवा न ले काम में, वो डालते ही जलन होती है, कोई बच्चा है सहन नहीं कर सकता, तो आप बिना एल्कोहल वाली दवा लें। ये बिना एल्कोहल वाली दवा की है शीशी। जो गरीब हैं, ये मेरे को तनख्वाह नहीं देता सवाब है जो मैं इसी की तारीफ करूं, जो गरीब हैं, तो एक दिल्ली की कंपनी बहुत पुरानी है, अब ये तो मुझे पता नहीं, बाकी मैं ये जानता हूं कि मैं 30-40 साल से तो जानता ही हूं उस कंपनी को, विजल नाम है, विजल कंपनी। तो हम शुरू में तो उसको ऐसे ही समझते रहे, मन का कोई छोटी मोटी हो गया, कोई दवाई काम में देखिए नहीं लेते थे हम। बाद में जब उसके प्रोडक्ट के रिजल्ट आने लगे तो हम काम में लेना शुरू कर दिया। तो वो एक आई ड्रॉप निकालता है विजल कंपनी, उसका नाम है आई ब्राइट्स। तो जो ये 150 की नहीं ले सकता, तो वो 40-50 रुपए की, वो भी बड़ी फर्स्ट क्लास दवाई है। ये जो क्या बताऊं, अगर मेरे को स्वास्थ्य मंत्री बना देना तो मैं सबसे पहले वालों आंखों वालों की खिंचाई करूं। हर डॉक्टर आंख में दो दवाइयां लिखेगा आपको डालने की, लिखना भी चाहिए। 155 से कम एक भी नहीं, 21 शीशी निकलेगी 10 ml की, और उनकी आगे की चोंच की बनावट साले ऐसे करते हैं कंपनी वाले कि आंख में तो एक बूंद जाती है और नाक के ऊपर 4 बूंद पड़ती है। शीशी खाली होते ही तो आप दूसरी लेने जाओगे। तो हम भी किसी से कम नहीं, हम उस दवा को, हमारे पास सब साधन है, हम क्या करते हैं। आप जैसे ये सिनेरिया की इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, अरे मेरे अनुभव का सब फायदा उठाओ, दो पैसे बचे हैं, वो काम आएंगे आपके बच्चों को। ये जब आपको खाली हो जाए बिल्कुल, तो इसको फेंके नहीं, क्या करेंगे आप? जैसे आप कोई डॉक्टर ने दवाई लिखी है आपको, यूं मान के चलो अंग्रेजी दवाई लिखी है, कोई बात नहीं, उस दवा को आप इसके अंदर भर लीजिए। अब इसके अंदर समस्या ये है,
ये खुलता नहीं। कंपनियां कमजोर नहीं, वो बड़ी चालाक कंपनियां होती है ये चीजें बनाने वाले, क्या कोई इसका मिसयूज नहीं कर ले, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हाँ, कोई ना कोई रास्ता हम खोज ही लेते हैं। ये 5 रुपए का डिस्पोजल नया ले आइए, कुछ भी नहीं करना आपको, 5 रुपए का डिस्पोजल नया ले आए, ये इसी पर्पज के लिए है। तो आप उस दवा को, वो डिस्पोजल की सुई डाल के खींच के और इसका जो छेद है उसमें लगा के और दबा दो, ये भर गई। दवा अंग्रेजी है, ये खाली शीशी है। ये शीशी इसलिए है कि इसकी ये जो है बनावट ये लंबी है, तो ये आंख में ही जाएगी। देखो, जर्मनी वाले बेईमान नहीं है, वो पैसे लेते हैं तो वो हित की बात सोचते हैं कि रोगी के आंख में ही दवा जाए, है ना। ये तो यहाँ की जो कंपनियां है ना इंडिया की, तो वो देखती है भी। हमने बचपन में सुना था कि जब कोलगेट की वो उसकी बिक्री कम होने लगी तो उन्होंने कहा कोई युक्ति बताएं तो हम उसको पारितोषिक देंगे, इनाम देंगे, हमारी सेल बढ़ेगी। तो एक जना पहुंच गया कि साहब मैं बताऊंगा आपको, बोलो कि आपका जो पेस्ट हम ब्रश पे लेते हैं यूं तो काफी दबाना पड़ता है, पतली सी लकीर आती है। तो फिर क्या हुआ, आप इसका जो मुंह है ना थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, तो वो जो दबाएगा तो वो एक बार में इतनी आएगी, तो इससे आपकी सेल बढ़ेगी। तो उनके दिमाग में आ गया कि वाकई ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई, उसको जो भी था इनाम दिया। देखो, ये बात जो है हमने सुने सुनाई कह रहे हैं, हमने कहीं पढ़ा नहीं, देखा नहीं, हम झूठ बोलते नहीं, है ना। तो वो छेद बड़ा करने से पेस्ट जल्दी खाली होगा तो उनकी सेल बढ़ेगी। तो अपने को अपने दिमाग से ही काम लेना चाहिए हर चीज़ के लिए, ये नहीं कि दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहो। और अब वो 150 रुपये की जो एलोपैथिक की आँख में डालने की जो दवाई देते हैं, मात्र उसकी लागत 2 रुपया है। 2 रुपये में 1 रुपया कुछ पैसे की तो ये शीशी है उनकी, और बाकी जो 10 ml भरा ना वो 4 आने 8 आने का है। हमने इसके पहले वीडियो दिया था, आपको याद हो, मैं खुद बनाता हूँ आई ड्रॉप, मैं खुद बनाता हूँ लेकिन दूसरों को नहीं देता। भाई, फिचकड़ी का योग है तो लोग यूं डर जाते हैं। अरे वो लोग क्या क्या डालते हैं तुम्हें पता है, क्या क्या डालते हैं जानते हो कोई चीज को? कुछ पता नहीं वो क्या डालते हैं। इसलिए आप आंखों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सिनेरिया मार्टिमा इसका प्रयोग करें, आंखों में बराबर डालते रहें, और 60-70 के बाद जब आपको चश्मा लगे तो इसको तो डालनी ही डालनी है रूटीन के तौर पे, जब कोई तकलीफ नहीं, 2 बूंद सुबह 2 रात को। लेकिन जब कभी पानी सर के ऊपर से ही गुजर जाए तो फिर देखो सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ऐसी स्थिति को आने ही मत दो। होम्योपैथिक ये कहती है कि हमारे पास सर्जरी के साधन नहीं है, लेकिन हमारी दवाइयाँ ऐसी ऐसी है कि जिनके प्रयोग करने से आपको सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं होगी, अगर आप शुरू से ही इन पे चलोगे तो।
तो मैं ये नहीं कहता, जो तकलीफ है बहुत ज़्यादा, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई भी इलाज कराएं। आप बोलिए मैं करूं क्या, देखो एक मामूली वीडियो आंखों का है, वो 40 मिनट का बन गया। मैं माफ़ी चाहता हूं, आप लाइक करो तो ठीक है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी लाइक करेगी, जब हम यहाँ नहीं रहेंगे तब वो हमको याद करेगी। वैसे आप भी खूब याद करते हैं और मुझे भी आपकी बड़ी याद आती है, आहा क्या कहना। अरे एक तो हमारा चौकटा इतना है, वो जो कहीं तो कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, कहीं कहते हैं आप युवा हो, कहीं क्या कहते हैं कि अब भाई देखो हमारे प्रशंसक हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही होता है, जवानी जवानी होती है, बाल्यावस्था बाल्यावस्था ही होती है। हाँ, ये जो ढांचा है इसको आप रिपेयरिंग अच्छी तरह से रखेंगे तो ये आपका साथ देता रहेगा, वरना किसी का कोई पता नहीं है। मालिक का नाम लेना चाहिए, 30 साल का आदमी चलते चलते ही मर जाता है, खैर जाने दीजिए। आज मैंने आपको आंखों के लिए कई जानकारियां दी है, ये नहीं कि वे खाली फाइस्टो स्टिग्मा का ये बता करके ये वीडियो बंद कर दिया, नहीं मैं पूरी जानकारी दूंगा, चाहे आप 3 जने ही सुनो। अगर 3 में से एक आदमी को भी लाभ हो गया तो मेरी वल्ले वल्ले है, मेरे दिल को इतना सुकून मिलेगा, क्या बताएं। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, ये फूल सा रोशन चेहरा, ये रंग तेरा सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, तारीफ करूं क्या।